से लोगों ने, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन बहुत जानी मानी हस्तियां थी फिल्म की। एक्चुअली जो सवाल की गई थी मुझे जब मैंने ये फिल्म करने के लिए एक्सेप्ट किया था, पहले तो शुक्रिया था सबका। सभी ने ऑलरेडी कह दिया कि आप लोग इतने बारिश में देश के कोने कोने से आए हो। मैं पहले तो कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा थैंक यू टू द मोस्ट फैबुलस बेस्ट कोस्टार ऑफ माइंड सनी जी, जिनके साथ अगर मुझे कहा जाए कि आप स्कूल के नाटक में हम स्टेज पे पौधे बनते थे ना, तो वो पौधे बन के भी रहो तो मैं हो जाऊंगी। बट अनिल जी जब ने मुझे पहली गदर की कहानी सुनाई थी, जब नितिन कैनी ने मुझे अप्रोच किया था, तब बहुत से लोगों ने, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन बहुत जानी मानी हस्तियां थी फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े जाने माने हस्तियां, सब ने कहा कि आप ये कैसे रोल करोगे और क्यों करोगे। सलमान खान के साथ में फिल्म कर रही थी, कॉलेज लड़की थी। अजय देवगन के साथ फिल्म कर रही थी, वो मेरे प्रोफेसर थे, मैं स्टूडेंट थी, वहाँ भी कॉलेज स्टूडेंट थी। ऋतिक के साथ दो दो फिल्में कर रही थी, कहोना प्यार और आप मुझे लगने लगे, मैं कॉलेज स्टूडेंट थी। तो जब यहाँ मुझे ये सब्जेक्ट नरेशन करा किया था और कहोना प्यार रिलीज नहीं हुई थी, तो सब ने कहा कि आप तो माँ का रोल कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड, मैं एक चैलेंज को, एक चुनौती को आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन जाके अपनाना चाहती हूँ। एंड आई हैड फेथ बिकॉज आई न्यू कि मेरे डायरेक्टर जो है ही इज ब्रिलियंट, एंड इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी शायद ना कभी लिखी थी और ना लिखेंगे कोई भी। तो मुझे हाँ करना ही था। यस, बहुत मुश्किल था, लेकिन अनिल जी पेशेंटली मेरे साथ बैठते थे लुक पे, हर चीज़ पे, कि तब मैं कैसे थोड़ी मैच्योर कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगूँ, थोड़ी एक माँ का रोल जैसे मैं लग जाऊँ एक माँ। उन्होंने 6 महीने मेरे साथ लगातार डायलॉग्स पे, लुक पे, दिन रात हम लोग 12-12 घंटे बैठते थे। और लोगों ने गदर के आने के पहले गदर को गटर कहा था, और ये दिल को मुझे बहुत छू गई थी ये बात। और मैंने बोला डिजेक्शन नहीं, ये मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। जब गदर 2 की बात आई तो फिर से वही सवाल उठे कि डूड हैव यू सीन योरसेल्फ ऑन इंस्टाग्राम, यू नो, लेजी लम्हे की लड़की अब कैसे गदर करेगी, हाउ विल शी प्ले अ मदर ऑफ अ 20+ year boy। बोला फिर से वही सेम सवाल, फिर से वही चुनौती, मुझे करना ही है। अगेन थैंक्स टू माई डायरेक्टर, माई फैबुलस मेकअप टीम, जयवंत जी, पूजा जी एंड ग्रॉकी हु वर्क ऑन माई कॉस्ट्यूम्स। हम 20-20 घंटे लुक टेस्ट करते रहे और हम तस्वीरें भेजते थे अनिल जी को। और कुछ दिनों बाद जब हम सफल रहे मुझे थोड़ा सा और मैच्योर दिखाने के लिए फिल्म में, आई गॉट द मोस्ट ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम अनिल जी सेइंग माय प्रेशियस सकीना इज बैक। वाह क्या बात है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन ऑल ऑफ ऑल दिस इज मिस्टर शारिक पटेल, क्योंकि ये सब मुमकिन नहीं होता अगर उन्होंने फेथ नहीं रखा होता कि 22 साल बाद भी उनमें हिम्मत थी कि एक जनरेशन जा चुका है, एक नई जनरेशन आ चुकी है, और उनके सामने ये आइकॉनिक फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए हिम्मत उन्होंने इतनी मेहनत की है और आज उनकी वजह से मैं स्टैंडिंग हियर। आप मुझे पूछ रहे हो कैसा लग रहा है, एक्चुअली जैसे सनी जी के आंसू निकल रहे हैं तो मेरे भी निकल रहे हैं, बस मैं थोड़ा सा स्केयर हूँ, मेकअप खराब हो जाएगा। लगातार और हर बात, तो एक ऐसी बात बताइए यूनिक जो किसी को नहीं मालूम है, जो फिल्म सेट पे आपने महसूस किया कमाल की बात। ये बिना साबुन के हाथ धोते रहते हैं, मैं बताऊं कैसे। अरे अमीशा जी देखिए सकीना मैडम, और ये उनका तकिया कलाम है। और इस बारी पालमपुर में जब हम लोग पहले स्केच में शूटिंग कर रहे थे तो उनको बड़ा फॉग का पसंद है, तो कट टेक ओके ये करो वो करो सुनेंगे फॉग फॉग फॉग, और उसके बावजूद बोलते थे मैं रियल लाइफ में और फॉग फॉग ऐड करूंगा।
लेकिन ही इज अ परफेक्शनिस्ट. हमारे बीच में बाप बेटी का रिश्ता है, हम बहुत फाइट करते हैं. क्यों? बस ये मुझे नाराज करते रहते हैं. नहीं, ये मैं इनसे फाइट करती रहती हूँ. मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉक करती हूँ, उनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करती हूँ, फिर अनब्लॉक करती हूँ. ये हमारा रिश्ता है. एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट इज कि उत्कर्ष को फिल्म में मैं लाई थी, और मैं हमेशा अनिल जी को बोलती हूँ कि आपके दोनों बच्चे इतने खूबसूरत हैं कि अगर सकीना और तारा की बेटी भी होती तो आप अपनी बेटी दे दीजिए मुझे. तो उत्कर्ष इज अ रियली लवली बॉय. आई हैव टू बताना चाह रही हूँ कि ये एक फैमिली फिल्म है. और बस मैं दो मिनट लूंगी क्योंकि मुझे बकबक करने की आदत है. एक बहुत हसीन हादसा हुआ था जब गदर 2 प्लान नहीं हुई थी. हमारे ऑफिस में एक कास्टिंग एजेंट आए थे और उन्होंने एक बहुत गुड लुकिंग लड़के की तस्वीर मेरे बिजनेस पार्टनर कुणाल जी जो बैठे मेरे बेस्ट फ्रेंड उनके सामने और मेरे सामने एक तस्वीर रखी और मेरी तस्वीर उनके साथ, और बोले मैम यहाँ यहाँ से एक प्रोड्यूसर है और ये लड़के के साथ आपको कास्ट करना चाह रहे हैं. तो 10 मिनट में ये तस्वीर देख रही हूँ, बोली लड़का तो बहुत खूबसूरत है लेकिन इसका नाम क्या है? बोले उत्कर्ष शर्मा. हाय राम, ये तो मेरा बेटा है. तो हम लोग की ट्यूनिंग ही ऐसी है. हम लोग सेट पे भी एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं. हमें भी हमारे बीच में भी माँ बेटे का रिश्ते के जैसे ही पंगे होते हैं, बट दैट केमिस्ट्री शोइंग ऑन स्क्रीन. एंड जैसे तारा सकीना एक दूसरे की धड़कन है, दिलो दिमाग दूसरे के बगैर चलती नहीं है, दीवाने एक दूसरे के, हम अपने जीते के भी दीवाने हैं. And he's fabulous in the film, so make sure I'm doing that. Yeah, wow.